السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة

रब शरहली सदरी वयसरली अमरी वाहलदतम मिलसानी यफ़हू कौलीसल आला मुहमदू अला मुहमद कमा सल तला इब्राहीम वाल आली इब्राहीम इन्क हमीदु मजीद अल्लाह मबारिक अला मुहमदू अलीला मुहमद كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وارنا الاشياء كما هي يا معلم ابراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني हर किस्म की हमदोसना तारीफ़ के कलेमात शुक्रिया के कलेमत हमदोसना और मदा के कलेमत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अल्लाबालमीन वहदहुला शरीक के लिए हैं और साथ ही दुरूद सलाम हो इमामुल वल आखिरीन, खातमुन नबीयीन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस पर रेत के दर्रात से ज़्यादा समंदर के कतरों से ज़्यादा और रबालमीन की तमाम मखलूक़ से ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि अला आलिहि सल्ही वसाह वसलम मुख्तर हमद सलात के बाद सूरत आले इमरान से और सूरत आले इमरान की आयत नंबर 102 की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया गया है इसमें अल्लाह रब्लम का इरशाद और फरमान है या अय्यूल आमन ए ईमान वालो अपने अंदर तकवे की सलाहियत पैदा कर लो याद रखिए कि यह तकवा इंसान के हर अमल के अंदर बुनियादी मकसद व तकवे का ही है अल्ला ने हम पर जो इबादतें फर्ज की हैं या जिन इबादतों को हम अंजाम देते हैं उन तमाम इबादतों का बुनियादी फलसफा और बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है और वो है तकवा जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह रब्लम इरशाद फरमाता है अकीमुस्सलात उसला नमाज कायम करो और तकवा इख्तियार कर लो रोज़े का बुनियादी फ़लसफा भी यही बताया गया अल्लाह फरमाता या अय्यूीन आमन तकुल्ला हकत उकाती ही वाला तमोत वस्लिम या अय्यूअलदीन आमनु कुतिब अल कुमुस्याम कमा कुतिबीन मिन कबली कुम लकुम हर अमल और हर अमल के बयान करने के बाद तकवे का जिक्र जरूर है आप कुर्बानी को उठा के देख लें। कुरान में अल्लाह कहता है, वला वला हैं वाला दिमाऊहा तखवा मिन अल्लाह को तुम्हारे गोश्त की कोई जरूरत नहीं है जानवरों के खून की कोई जरूरत नहीं है वाला की तखवा मिन कुम लेकिन अल्लाह तुमसे तकवे का मुतालबा जरूर करता है आप हज को ले लें हज भी एक बेहतरीन अमल है हज के बारे में अल्लाह फरमाता है अलहज अशहुर मालूमत फला रफसा वला फसूका वला जिदाफिल खैर आगे फरमाया वह तू तजू तकवे को अपना ज्यादे राह बना लो इन खैर तकवा इसलिए बेहतरीन वो तकवा है गर्ज के जुमला इबादात और जुमला अहमाल का बुनियादी मकसद अल्लाह ने एक ही बताया है और वो तकवा है तकवे के बारे में अल्लाह ने फरमाया या बुदू ए लोगो Allah की इबादत करो और इबादत में खास एहतमाम ये रखना मिन खल लअल्लकुम तत्तकून ये इबादतें इसलिए कराई जाती हैं ताकि तुम्हारे अंदर तकवे की सलाहियत पैदा हो जाए किसी तरह परहेजगारी पैदा हो जाए रब का खौफ तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए आज हम अमल तो करते हैं लेकिन तकवे की सलाहियत हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाती क्योंकि हमने उस अमल को ही असल समझ लिया है हम समझते हैं नमाज पढ़ ली काफी है रोजा रख लिया है बस ये इबादत काफी है हज कर लिया कुर्बानी कर ली कुरान की तिलावत कर ली कुरान की तिलावत का मकसद भी अल्लाह ने क्या बयान किया फरमाया हुआ कदाली का अनजल नाह कुरान वफ ना फी ही मिनलवा वहाँ भी तकवा है तकवा मतलूब है हम तिलावत करके कुरान की तिलावत सुन ले सुनकर क़ुरान समझ कर हम ये समझते हैं बस ये काफ़ी है ये आमाल हमारे लिए हम काफ़ी समझते हैं लेकिन याद रखिए कि इन आमाल के साथ साथ जरूरी है कि तकवे की सलाहियत हमारे अंदर पैदा हो हमारे अंदर लाहीहियत पैदा हो अल्लाह का खौफ और डर पैदा हो क्योंकि तकवा नाम ही इसी चीज का है आइए समझते हैं तकवा कहते किसे हैं तकवा है क्या जिसका बार बार अल्लाह ने कुरान में मुतालबा किया है जिस तकवे की वजह से इंसान को इज्जतें मिलती है अल्लाह ने क्या फरमाया फरमाया अय्यूअस इना खलकनाकुम मिन जक्रिय व उनसा वजअलनाकुम तुम व व कबालाफू तुम्हें कबाइल में इसलिए तकसीम किया गया है इसलिए नहीं कि तुम फख्र महसूस करो तकबर महसूस करो बल्कि लिताफू इसलिए तुम्हें कबाइल में डिवाइड किया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको इज्जत का कोई मैार अगर है अल्लाह के नजदीक तो वो तकवा है फरमाया इन अक्रम इन अल्लाह के नजदीक इज्जत का मैार वो सिर्फ तकवा है अगर तुम चाहते हो अल्लाह के हां तुम्हें मकाम मर्तबा और शर्फ मिल जाए अपने अंदर तकवे की सलाहियत पैदा कर लो सईदना उमर फारूक तकवा के हवाले से सैदना उबई बिन काब रजी अल्लाह त से सवाल किया कि तकवा किसे कहते हैं सयदना उबई बिन काब ने बड़ी बेहतरीन मिसाल से समझाया फरमाया क्या आप कभी किसी दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरे हैं कि जिसके दोनों तरफ कांटे ही कांटे हों आप उस रास्ते पर किस तरह गुजरे थे शहीदीना उमर फारूक ने फरमाया शमर तू वजह तू मैं उस रास्ते पर और उस दुश्वार गुजार रास्ते पर इस तरह चला था कि अपने कपड़ों को समेट कर बचा कर और उस रास्ते पर बड़ी मेहनत करते हुए डरते डरते चला था कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए कहीं कोई कांटा मेरे कपड़ों में ना फंस जाए मैं बचते हुए और डरते हुए चलता रहा फरमाया फज़ाली का तकवा यही तो तकवा है कि जिंदगी इस तरह गुजारी जाए कि अल्लाह का खौफ हमारे दिलों में हो जिंदगी ऐसे गुजारी जाए गुनाह से बच बच कर जिंदगी गुजारी जाए ये तकवा है तकवे की सलाहियत अगर एक बंदे में मौजूद नहीं है तो उसका अल्लाह के हा कोई मकाम और मर्तबा नहीं है मेरे सामीन ये तकवा ऐसा मौजू है इसमें बड़ी वसूत है ये गुजश्ता अंबिया का मौजू भी था हर हर नबी ने अपनी उम्मत को तकवे की दावत दी है फतब समूद इजकाल अख़ोहम साल अला तकून हर जगह तकवा नजर आएगा हर नबी ने तकवे की तरफ रगबत दिलाई है और मैंने बताया तकवा यही है कि एक इंसान रब से डरते हुए गुनाह से बचते हुए जिंदगी गुजारे इसे तकवा कहते हैं और यही असल मकसूद और मतलूब है हमने तो यह समझ लिया था कि नमाज पढ़ लेना काफी है रोजा रख लेना काफी है नहीं मेरे दोस्तों रोजा रख लेना काफी नहीं है बल्कि रोजा हमें उस मकसद तक उस मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है वो जरिया वो तकवा है हमने जिस जरिए से पहुंचना था वो जराए यही आमाल हैं इन आमाल को अंजाम देकर हमने तकवे की मंजिल तक पहुंचना है लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम नमाजें पढ़ना छोड़ दें हम रोजे रखना छोड़ दें हम कुरान की तिलावत करना छोड़ दें हज ज़क़ात और ख़ैरात देना छोड़ दें बल्कि ये इसलिए कराए जाते हैं कि जिस तरह हम मौजूदा दुनिया में किसी मकाम तक पहुँचना हो तो सवारी का इंतज़ाम करते हैं उस मंजिल तक पहुँचने के लिए सवारी ज़रूरी होती है और वो सवारी मंजिल की तरह अहमियत रखती है बिल्कुल इसी तरह ये इबादतें हमें तकवे की मंजिल तक पहुंचाती हैं और ये भी तकवे की तरह जिस तरह तकवे को अहमियत हासिल है तकवा मकसूद है इसी तरह इन इबादतों को भी अहमियत हासिल है क्योंकि ये इबादतें उस मंजिल तक पहुंचाने का जरिया है सलाम और आपके और सलाफ की जिंदगी को जब हम देखते हैं तो हमें उनकी जिंदगी में तकवा ही नजर आता है कि उनकी जिंदगियां तकवे से भरपूर थी चाहे उनकी जाहिरी इबादतें हों चाहे वो जाहिरी जिंदगी में जी रहे हों उनकी इनफरादी जिंदगी हो या वो इज्तमाही जिंदगी गुजार रहे हो हर जगह हमें तकवा नजर आता है अल्लाह के पैगम्बर अलीसलातम के सहाबी सैदना सोबान जो आप अली सलात वसलाम के आज़ाद करदा ग़ुलाम भी हैं उन्होंने इज्तमाही और ज़िंदगी के हवाले से बड़ी बेहतरीन रिवायत बयान की है क्योंकि अगर इज्तमाही ज़िंदगी में हमारा अमल और हो अजतमाही ज़िंदगी क्या है हम घर के माहौल में वालदान के साथ बीवी बच्चों के साथ रहते हैं यह हमारी इजतमाई जिंदगी होती है हम अपने दोस्त अहबाब के साथ रहते हैं यह हमारी इज्तमाई जिंदगी होती है हम दुकान में होते हैं वहाँ हमारी इजाई जिंदगी होती है लेकिन हमारी एक इंफरादी जिंदगी भी होती है जहाँ पर हम अकेले होते हैं कोई नहीं दे देख रहा होता वहाँ पर अगर हम गुनाह में मुलविस हैं तो इसका मतलब यह है हमारे अंदर तकवा नहीं है इसलिए कि हमारी दोनों इज्तमाही और इदी ज़िंदगी में फ़र्क है इज्तमाही ज़िंदगी में जिस तरह हम गुनाह से रुकते हैं नेकियां करते हैं अल्लाह का खौफ दिखाते हैं इसी तरह अगर इनफरादी ज़िंदगी में भी हम गुनाह से बचने का अहतमाम करते हैं तो ये समझ जाइए ये तकवे की अलामत है वगरना तो नबी नबीम की वो फरमान आप के सहबी सैदना सोबान ने क्या फरमाया था फरमाया अल्लाह के पैगम्बर नेमन उम्मती मैं अपनी उम्मत के ऐसे अफराद को भी जानता हूँ तो न यो मल क्यामती बाली अमसाली जिबाली तिहामत अब वो कल क्यामत के रोज अल्लाह की बारगाह में तिहामा पहाड़ियों के बराबर अमाल लेकर आएंगे तिहामा मक्के का एक नाम है और मक्के में बाला पहाड़ियां मौजूद हैं नबीम ने फरमाया मक्के के पहाड़ों के बराबर उन लोगों के अमाल होंगे फैज अल्लाह त हबा अम मंसूरा अल्लाह रबीन उनके इतने ज्यादा अमाल को जो पहाड़ों के बराबर थे अल्लाह उन्हें राख की तरह धूल की तरह उड़ा देंगे सहाब रसूल ने सलाम से अर्ज की सिर्फ हम लना वजल हिम लना अल्लाह के पैगंबर ये बताइए उनकी सिफात क्या है वो कौन से ऐसे अमाल कर लेते हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह उनके पहाड़ों के बराबर किए हुए अमाल को उड़ा कर राख कर देंगे खत्म कर देंगे आखिर उनकी सिफात क्या है उनकी वजाहत कीजिए नबी वसलाम ने फरमाया अमां नुम अमा इन नुम मिन जिलदती वो तुम्हारी ही तरह एक इंसान होंगे वह अखवान कुम और तुम्हारे भाई होंगे दीनी भाई होंगे उनका ताल्लुक इस्लाम से होगा नेकियों में शौक रखते होंगे तभी तो नेकियां इतनी होंगी कि पहाड़ों के बराबर फरमाया लेकिन उनका गुनाह ये होगा उनके अमल में फर्क ये होगा कि उनकी इज्तमाही जिंदगी का अमल कुछ और होगा और इनफरादी जिंदगी का अमल कुछ और होगा उनके दिल तकवे की सलाहियत से महरूम होंगे इसी वजह से उनके अमाल में फर्क होगा फरमाया जब उन्हें खलवत के अंदर गुनाह का मौका मिलता होगा तो वह इंतहकूह वो उस गुनाह में मुलविस नजर आते होंगे इज्तमाही जिंदगी में अल्लाह वाले बने होंगे बड़े नेक और सूफी बने होंगे लेकिन इनफरादी जिंदगी में खलवत वाली ज़िंदगी में जब उन्हें गुनाह का मौका मिलता होगा वह फौरन गुनाह में मुलव नजर आएंगे फरमाए इनके अंदर तकवा नहीं होगा अल्लाह इनके आमाल को ज़ाया फरमा देंगे मेरे दोस्तों हम अगर सहाबा की जिंदगीों पर गौर करें नबीलाम की जिंदगी पर गौर करें ताब इन तब की जिंदगी पर गौर करें आइमां मुजहिदीन की जिंदगी पर गौर करें तो हमें वहां पर सिर्फ एक चीज नजर आएगी और वो तकवा होगा हर अमल में हर मौके पर अज्तमाही जिंदगी में भी और इनफरादी जिंदगी में भी उनके अमाल में उनके किरदार में उनकी जिंदगीों में तकवा नजर आएगा आपने सुना होगा सयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तन का वह वाक़ क्या उनका एक गुलाम वो अबू बकर सिद्दीक के पास कुछ मिठाई कुछ तोहफा वगैरह लेकर आया और अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश किया अबू बकर ने वो चीज़ तनाउल फरमा ली और खा ली अबू बकर सद्दीक को ख्याल आया ये किस चीज के लिए ये एहतमाम क्यों किया इसने कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आज खास तौर से एहतमाम किया है और मेरे लिए कुछ लेकर आया है अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ये खाना ये खाने की चीज तुम कहां से लाए हो वो कहने लगा कि जमाना जाहिलियत में मैंने किसी शख्स के लिए कहानत की थी और कोई बात ऐसी कही थी मुस्तकबिल के हवाले से जो पूरी हो गई थी उसने मुझे तोहफतन यह चीज दी जो मैंने आपको पेश कर दी हजरात बकर सिद्दीक का तकवा देखें उन्होंने इस मुश्तबा चीज को फौरन अपने गले में उंगली डालकर कै फरमा दी और सारा कुछ निकाल दिया क्योंकि उन्हें मालूम था कि जिस जिसम को जिस जिसम की परवरिश हराम माल से हो वो जिसम जहन्नम में जलेगा ये तकवे की अलामत थी उन्होंने वो सब कुछ बाहर निकाल दिया अल्लाह के खौफ और गुनाह से बचने के लिए दराज के सफर पर निकलते थे उमर फारूक रजी अल्लाह शख्स को देखा कि जो बकरियां चरा रहा था एक वादी में जरूरत तो पूरी नहीं करनी मेरे जिम्मे कोई काम तो नहीं है कि मैं उसे अंजाम दे दूं उन लोगों का आडेट करते थे उन लोगों का एहतसाब करते थे सही दिना उमर फारूक ने उस शख्स से पूछा ये बकरियां किसकी हैं वो गुलाम जर खरीद गुलाम था किसी का कहने लगा यह फला शख्स की है और वो फला भी साहबी रसूल है सैदना उमर फारूक आपका बेटा हूं वो गुलाम वो जरखरीद गुलाम कहने लगा ठीक है मैं समझ गया आप अमीरुल मोमिनीन है और आपका जिक्र मैंने अपने मालिक से भी सुना है और वो बकरियां जिसकी असल हैं वो अक्सर आपका जिक्र करता रहता है आप अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब हैं मैं आपको पहचान गया हूं सही उमर फारूक रजी अल्लाह अन फरमाने लगे अच्छा ठीक है तुम पहचान गए हो हमें जरा जल्दी है हम मुसाफिर हैं रस्ते में हमें जरूरत है एक बकरी हमें दे दो हम उसका दूध दोहकर कर रस्ते में गुजर बसर करते हुए अपना सफर तय कर लेंगे कुर्बान जाइए वो गुलाम ऐसा मुतकी था उसे बजाहिर, उसका मालिक नहीं देख रहा था उमर फारूक से क्या कहता है ये बकरियां मुझे किसी ने दी है और मुझ पर एतमाद किया है मुझ पर वो भरोसा करता है मैं उसका एतमाद तोड़ना नहीं चाहता उमर फारूक कहने लगे एक बकरी देने में क्या होगा इतना बड़ा रेवर है तो एक बकरी दे देगा उसे मालूम भी नहीं होगा अगर वो पूछ भी ले तो कह देना इख्त उस बकरी को भेड़िया खा गया था वो गुलाम ये बात सुनकर कहने लगा ठीक है मैं ये बात कह दूँगा आपको एक बकरी दे देता हूँ और अगर मेरा मालिक पूछेगा कि वो बकरी एक कम है तो मैं कह दूंगा कि वो भेड़िया खा गया था लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दें फमई मिन अल्लाह, मैं अपने मालिक से तो बच जाऊँगा लेकिन मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा उमर फारूक रजी अल्लाह त ने जब यह जुमला सुना कहने लगे तुम्हारा मालिक कहाँ है इन बकरियों का असल मालिक कहाँ है मुझे वहाँ ले चलो उसने बताया फला जगह पर वो रहता है उसकी रिहायश है उमर फारूक उनके पास पहुँचे जो बकरियों के असल मालिक थे कहने लगे फला वादी में आपने एक चरवाहा भेजा है आपका एक गुलाम है वो बकरियां चरा रहा है आपके मवेशियों को वो चरा रहा है आप ऐसा करें वो गुलाम कीमत पर वो बकरियां भी और वो गुलाम भी उमर फारूक के हाथों फरोख्त कर दिया उमर फारूक फरमाने लगे आप हमारे साथ चलें उस गुलाम तक और उसे ये बता दें कि आज के बाद उमर फारूक के तुम ग़ुलाम हो मैंने तुम्हें बेच दिए हैं बेच दिया है और ये बकरियां भी उन्हीं की हैं पहुँचे उस ग़ुलाम तक और उसे यह ख़बर दी कि आज के बाद तुम मेरे ग़ुलाम नहीं हो बल्कि उम्र फ़ारूक के ग़ुलाम हो और ये बकरियां भी इन्होंने ख़रीद ली है उमर फारूक रजी अल्ला तन फरमाने लगे तुमने सुन लिया कि इन्होंने क्या कहा है कहने लगा ठीक है आप हुक्म दें मैं आज से आपकी गुलामी में आ गया हूं आप जो कहेंगे वो करूंगा बताएं ये बकरियां किस वादी में ले जानी है सही देना उमर फारूक रजी अल्लाह मौके पर उसके तकवे को देख कर उमर फारूक ने फरमाया ए गुलाम तेरे अंदर तकवा था का गुलाम बन जा, जा मैंने तुझे आजाद किया है और तोहफे में ये सारी बकरियां तुझे देता हूं हजरात ये उन लोगों में तकवा की सलाहियत थी लोग कहेंगे कि वो तो सहाबा थे सहाबा का दौर था आइए मैं आपको ताब की मिसाल देता हूं उमर फारूक और बिन जुबैर रजी अल्लाह तला जो सैदा आयशा रजी अल्लाह त के भांजे हैं और नबी वसलाम के फूपीजात भाई सयदना जुबैर के बेटे हैं और सयदा आयशा की बड़ी बहन सयदा असमा के साहबजादे हैं अबू बकर सिद्दीक के नवासे हैं एक मौके पर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इनकी दावत की और ये मुल्क के शाम पहुँचे मुल्क शाम पहुँचे तो अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इनकी बड़ी मेहमान नवाजी की और इन्हें शाही अस्तबल दिखाया अपने घोड़े दिखाए उस अस्तबल में वहाँ उन्हें किसी कीड़े ने काट लिया और वो इतना मूजी था कि उससे उनकी टांग में कैंसर का मर्ज लाहक हो गया एक बहुत बड़ा फोड़ा आया कि जिसका इलाज मुमकिन नहीं था उस दौर में सईदना उर्वा बिन जुबैर ने बड़ा इलाज करवाया एक हकीम के पास पहुंचे उस हकीम ने कहा मेरे पास इसका इलाज है लेकिन इसका इलाज यही है कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी इसी तरह इसका इलाज है वरना यह जहर सारे जिसम में फैल जाएगा और वो ज्यादा नुकसान का बास होगा और वह बिन जुबैर फरमाने लगे ठीक है टांग काटनी है काट दो कहने लगा टांग काटते हुए बड़ी तकलीफ होगी आप ऐसा करें शराब का एक गिलास पी लें और शराब कुछ पिला देते हैं आपको ताकि तकलीफ कम हो इसलिए कि टांग काटना ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है इसमें बेहोश करना पड़ता है इसमें सुन करने की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं उस दौर में इलाज ही यही था उन्होंने कहा शराब पीनी पड़ेगी और वह बिन जुबैर कहने लगे अगर मैंने शराब पी ली और इसी हालत में मौत आ गई मेरा आखिरी वक्त आ गया मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा और वह बिन जुबैर कहने लगे बगैर शराब के टांग काटो और वह बिन जुबैर उनकी टांग काट दी गई और टांग काटने के दौरान जबान पर तस्बीह और तहलील के कलेमात जारी थे अल्लाह के जिक्र से जबान मुअत्तर थी टांग कट गई जब दागा गया खून को रोकने के लिए खून बह रहा था उस खून को रोकने के लिए दबागत दी गई तो उर्वा बिन जुबैर तकलीफ के मारे बेहोश हो गए नबी अली सलात सलाम के सईद आयश रजी अल्लाह तन के ये भांजे हैं जब होश में आते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं वो टांग कटी हुई ले आओ मेरे पास टांग लाई गई अपने हाथ में वो टांग लेकर उसे मुखातब करके कहते हैं वल्ल हम अलई की अला मासी उस जात की कसम के जिसके हाथ में उर्वा की जान है तू जानती है ए टांग मैं तुझ पर कभी भी गलत रास्ते पर चलकर नहीं गया कि हम में से किसी शख्स में इतना तकवा है कि वो अपने आजाय बदन से आजाव जवारे से ये कह सके कि तू गवाह है मैंने तुझसे ये गुनाह नहीं किया अपने हाथों को मुखातब करके कहे अपनी टांग को अपनी आंखों को अपनी जबान को मुखातब करके कहे किसी में इतना तकवा नहीं है और वह बिन जुबैर ने अपनी टांग को मुखातब करके कहा, कहा कि जिस जात ने तुझ पर मुझे चलने की तोफीक दी थी तो यह जानती है कि मैं जिंदगी भर तुझ पर चल के किसी गलत जगह पर नहीं गया हूं यह था उनमें तकवा उनकी जाहिर बात इन जिंदगी करते थे उस इबादत का सबक भी याद करते थे फरमायादी आमन ऐमान वालो अल्लाह का इख्तियार करो वल वंजुर अमल बयान किया और अमल से पहले भी इतकुल्ला फरमाया और अमल के बाद भी इतक का फरमाया इतकुल्लाह के कौसैन में अमल को रख दिया ये बताने के लिए कि अमल से पहले अल्लाह से डरना है और अमल के बाद भी तकवा अख्तियार करना है कि यह अमल मेरा कबूल हो जाए किसी तरह यह तकवा जिस दिन हमारे दिलो दिमाग में पेवस्त हो गया जिस दिन हमारे अमल में यह तकवे की झलक नजर आ गई उस दिन हमारा बेड़ा पार है कामयाबी के रास्ते हमारे लिए खुल जाएंगे अल्लाह फरमाता है वह अन्य हादसा सिराती मुस्तकीमन फ तब जब तुम सीधे रास्ते पर चल पड़ोगे तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा तुम इल्म हासिल करोगे तुम्हारे अंदर तकवा होगा व तकुल्ला वर अमल के बाद तुम्हें तकवे की सलाहियत से भरपूर होना पड़ेगा तकवा बड़ा अहम है अलामा इबन असाकिर जो बड़े मशहूर मुसन्फ हैं और उन्होंने बड़ा दीनी काम किया है असाकिर के नाम से है जिसे तारीख दिमिश भी कहा जाता है वो इतनी जखीम किताब है कि उसकी जिल्दों को अगर गिना जाए तो 120 जिल्दें हैं ये इबन असाकिर हम जैसे ही एक इंसान थे बुलंद पाया मुहद्दस और बड़े बेहतरीन महक् थे तसनीफ़ो तालीफ़ में बड़े आगे थे इबन असाकिर का जब इंतकाल हुआ और महल्ले की मस्जिद में उनका जब जनाजा रखा गया वो इमाम जिसने जनाजा पढ़ाना था वो जनाजे से पहले लोगों से मुखातब हुआ और कहने लगा ए लोगो तुम जानते हो इस शख्स को कि जिसका आज इंतकाल हुआ है और आज हमने जनाजा पढ़ना है आज मैं गवाही देता हूं यह ऐसा शख्स था मैं चालीस साल से इसी मस्जिद में इमाम हूं मैंने चालीस साल में एक ऐसी नमाज भी नहीं देखी कि जिसमें अलामा इब्ने असाकिर ने दूसरी सफ में नमाज पढ़ी हो मेरे दोस्तों ये तकवा होता था अमल के अंदर तकवे की झलक नजर आती थी और उस तकवे की गवाही लोग दिया करते थे कि यह फला शख्स ऐसा मुतकी है कि इसने नमाज कभी भी दूसरी सफ में नहीं पढ़ी वो इमाम कहता है चालीस साल में इस मस्जिद में इमाम रहा हूं और आज इस शख्स का जनाजा पढ़ा रहा हूं चालीस साल में एक नमाज भी मैंने ऐसी नहीं कि हमारे अमल में ये तकवा मौजूद है तकवे की यह सलाहियत हमारे दिलों में मौजूद है या हम सिर्फ तकवा टोपी में तलाश करने में लगे हुए हैं कोई तकवा पाइंचों में तलाश करता है कोई तकवा दाढ़ी में तलाश करने में लगा हुआ है नबी सलाम ने तकवे का जो महल बताया है तकवे का महल वकू वो दिल है आप अली सलात सलाम की एक हदीस में यह वजाहत है फरमाया अला फिल जसदी म फसद जसद कुल्ल हो अगर वो खराब हो जा तो खैर अदा कर रहे हैं जो नमाज तरावी एहत... का अहतमाम कर रहे हैं तिलावत का अहतमाम कर रहे हैं कुरान सीखने समझ हमारे इन तमाम कामों में तकवा पैदा फरमा दे ताकि हमारे ये بالعالمين العالمين